सब्सक्राइब कीजिए मारवाड़ी क्लासिक स्टूडियो यूट्यूब चैनल में और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अपन बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सदस्य हमारे भाई आसुलाजी जोशी और कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और पीडीओ ने पूर्व सरपंच कुमार भुवनेश्वर सिंह जी अपने गांव रा जय जलम्या जलदाय विभाग रा चीफ इंजीनियर रिटायर्ड सम्मान्य आर के विष्णु साहब पापड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई प्रवीण मदेना जी लोड ब्लॉक अध्यक्ष भाई शकुर खान जी बहन शांति देवी जी जेताराम जी सुरेश जी जोशी करणाराम जी चौधरी मालाराम जी सुपुत्र भाई ओम प्रकाश जी बस्ती राम जी मेघवाल चुमीलाल जी मेघवाल इमिलाल जी मेघवाल ओम प्रकाश जी सैन सभी पदारुड़ा पत्रकार बंधुओं सभी पदारुड़ा लॉर्ड विधानसभा क्षेत्र रा सतीश कोमरा वरिष्ठ नेतागण वरिष्ठ कार्यकर्तागण बुजुर्गों और युवा साथियों राजस्थान सरकार 15 विधानसभा चुनाव होने के बाद में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बना। अशोक गहलोत जी ने सचौरा लोकप्रिय विधायक जगह लाल 2013 में मोदी की भी सुनामी लहर में भी लहर नहीं रोकर 20,000 लालो विधानसभा चुनाव साचौर जीत राजस्थान विधानसभा में पहुंचा और आप लगातार बढ़त बढ़ा 30,000 दोबारा जीत रहा आप राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा और राजस्थान सरकार वन और पर्यावरण मंत्री बनर पहली बार लौट पधारने वास्ते में आप बहुत बहुत आभार धन्यवाद स्वागत सुखराम जी मारवाड़ में सुखराम बिश्नोई की पहचान एक असामान्य कार्यकर्ता की पहचान रात दिन किसानों के बीच में किसानों को रात दिन हमेशा किसानों की समस्या वास्ते नौजवानों की समस्या वास्ते बेरोजगारी की समस्या वास्ते आप हमेशा लाल 10 साल संघर्ष करो और मारवाड़ में क्षेत्र में सभी भारतीय जनता पार्टी को लाल मारवाड़ को नेतृत्व करो और जनशील समस्या किसानों की समस्या मजदूरों समस्या बेरोजगारी की समस्या अनुसूचित जाति के भाइयों की समस्या पानी की समस्या बिजली की समस्या नहर की समस्या सड़क की समस्या ले और राजस्थान की विधानसभा में आप 5 साल संघर्ष करो उनको प्रतिफल आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपने बीच में दिए राहुल गांधी जी आपने प्रतिफल मंत्री बने पहले कैबिनेट मंत्री अशोक गहलोत जी हमारा जोधपुर जिला का मुख्यमंत्री बना भाई बधाई अशोक मारवाड़ा और विशेषकर हमारे जोधपुर जिले ने अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने भाई बधाई मैं मंत्री महोदय देने चाहूँ बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय जी और आपने एक बधाई और देना चाहूँ पहली कैबिनेट मीटिंग में आज जिस तरह किसानों ने पक्ष में 2 लाख संपूर्ण 2 लाख कर्ज माफ करने की घोषणा करी इन घोषणा में आप शुद्धिकरण और किरणीकरण बात करी गरीब ने बुजुर्ग ने पेंशन कराने की बात करी और जितना भी संविदा कर्मी है जितना भी संविदा कर्मी राज्य काम में भी ना कमेटी कराना कमेटी बनाकर ने स्थायी करने की बात करी अनेकों अनेक योजना में पहली कैबिनेट बैठी अशोक गहलोत जी के अध्यक्षता में आप उपस्थिति में आप फैसला करो अभी अभी आप बहुत बहुत इन क्षेत्र का लोग आप आभार प्रकट करते हैं आप जिन तरह निश्चित रूप में मंत्री बन बन अशोक गहलोत जी नेतृत्व जिन तरह आप चाह रहे हो मैं उम्मीद करा निश्चित रूप में मारवाड़ के लोग रहे सभी सतीश कुमार में सभी वर्ग के लोग रहे दिनों में मुस्कान वेला सुशासन स्थापित वेला और सभी वर्ग के चेहरे पर मुस्कान वाला कांग्रेस की सरकार स्थापित होने पर फिर संकल्प मुख्यमंत्री जी रहे मैं आपने मंत्रिमंडल आप ही बैठक में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आप कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आप राजकीय पत्र घोषित किए अभिनंदन आप बहुत बहुत आभार प्रकट करूं एक एक करके आप समस्या एक एक करके घोषणा पत्र की घोषणा आप लागू करेला और आने वाले दिनों में राजस्थान निश्चित रूप में प्रगति करेला और आने वाले लोकसभा जीत रहे थे माने विधानसभा क्षेत्र 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने विधायक चुने जाए मैं विधानसभा क्षेत्र में और 10 साल के बाद में
आप मैंने 41,000 मताओं जीता राजस्थान की विधानसभा में भेजो इधर वो मैं आप लोग बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करूं और आप मैं वादों करो चुनाव प्रचार में वादों करो गांव गांव ढाई ढाई हजार कि मैं आप बीस रहे जय जल में हूँ आप बीस रहे साधारण किसान को बेटो हूँ आप मैं राजस्थान जयपुर में विधानसभा राजधानी में मेरे काम काज ने छोड़ मेरी काम काज थारे काम काम वास्ते जयपुर जोला भी काम काज ने छोड़ मैं हमेशा जाकर छोड़े लौट के मुख्यालय माते हमेशा मिलूंगा मैं मेरे मंत्री जी मैं तो रात को ये मारे बजे तक बैठो लो सब समस्या हो सब लोग बुरे जे खुशी में खुद हो भी सब मेरे ताऊ दे मैं ताऊ जो आ मैं आ वादे की और आई वादे पर काम सलाम लोग पूर्ण दर्शन हो रात को मिल मिलते ये वादे माते ये मेरी जगह था वादों की मत मैं थारे खड़े उतरने की कोशिश करूंगा और थारी कोई समस्या ने पैरोकार करने की कोई मैं कमी नहीं रखूंगा और मैं थाने वादों विश्वास दिलाऊ मूंगफली लो वह विधानसभा क्षेत्र बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छी औसत एवरेज वाली मूंगफली जो क्षेत्र मैं आज राज बैठ के मूंगफली ने भारतीय जनता पार्टी लाल शासन के तुलाई की व्यवस्था की हुई मेरी जगह व्यवस्था में कमी आई पहले शायद राजस्थान में मैं विधायक बोला राज फ्रेंड के एमडी बात करती हूँ मैंने कमियां सुधार करने की कोशिश करी और आज भी एक दो कमियां है अब आज मैं एमडी साहब ने राज फ्रेंड के एमडी साहब ने मंत्री महोदय अब आज मैं फोन कराऊंगा आप जो वो 5 दिन की जो सीमा की बात है जो तो वो बंटाईदार की कोई सहमति की बात है बंटाईदार की कोई शपथ पत्र की बात है दो तीन जो सदनशील समस्या है किसान की भाई मैं मंत्री महोदय बारे एमडी साहब बात कराऊंगा अभी को भी अंधेरा करण करा आगे मंत्री महोदय ने मुकाम जाना है जामला जाना है और भी आ रहा जयपुर भी जाना और भी अनुभव कार्यक्रम है इन वास्ते मैं लंबी चौड़ी भाषण नहीं दे और मैं आप रो तरफ आप रो सतीश गांव के तरफ लौट पधारने वास्ते पुनः एक बार कोटी कोटि अभिनंदन करते हो और आप पुनः पधारे और आप मंत्री महोदय आपके पास वन और पर्यावरण मंत्री है विभाग है आपके पास खाद्य आपूर्ति विभाग है आप बहुत संवेदनशील और किसानों की समस्या वास्ते लीडर और आप बात रख सको आप ये शैली है इस शैली को निश्चित रूप से लोगों के सत्र में करें आप ना मिलेगा और मोदी थाने विधायक के रूप में हमेशा आप इस समस्या में अवगत कराता रहना आई बात करता हूँ पुनः एक बार मंत्री महोदय को स्वागत करता हूँ मैं बात पूरी करूँ धन्यवाद जय बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय ने अपनी बात आपके सामने रखी अब मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से सम्मान्य अपना विधायक किसका नाम से लखनऊ साहब किसी मेंबर जोशी जी रामकिशन जी मदना साहब शांति देवी जी तमाम एक बार आके कोई योजना होगी रेडी है लाल नाम जानो मेरे घने बोले बोले आपने बहुत बहुत धन्यवाद दो दिलवाड़ को विधायक थी आज तक बाल तो कोई मोट चार मोट कौन है ठीक है कल्पना करें कि किसी ने जरूर सामान्य परिवार को आदमी एमएलए बन से कल्पना करें कभी कल्पना नहीं परंतु आप कल्पना आप भी नहीं करें कि इतना विधायक जीता करें मुश्किल जीते बोलो दादू से लोड़ ठोके लाल इतना विधायक सामान्य आदमी किसान परिवार को आदमी किसान की समस्या होने तो निदान करे एवं समाधान करे सरपंच बड़ा हुआ नहीं हाजिर मिले तो कितना डाल दिया सरपंच मिल गया साइन कर एमएलए लोट में हाजिर मिले थे आओ ना तो कितनी मतलब बढ़िया बात है कि हर वक्त अपने हाजिरी दे हाजिर मिले गांव शादी मिलने पर हाजिरी दे आप थारे बड़ा बैठे सुख दुख की बात करे काम तो राज का मुख्यमंत्री जी पसंद बाद में चुन रोटी करती है काम तो जो चाहे वो काम आप लोग करो भाई यार थोड़ी घड़ी कसर की तो रही तो किशन जी पूरी कर दो पूरी भद्रा मेरा आपने तो निवेदन है सरकार बनी नपेल की सरकार में 10-5 साल लगा देना 10-5 साल बन दे सको पूजे के बजे भेज जन्मे को और भेकू ने जा सकता है पंच के अंदर वो काम धार पुट करते आराम सरपंच बढ़ सके पंच साहब को सरपंच बढ़ सके काम पुट कर
पेंशन थोड़ी घड़ी कम पड़े, बाइक पूरी कर दी, बड़ा जी ने पैसा जारी कर दिया। अब आ रहे शादी मित्र एक आई कि भाई मारे फिंगरप्रिंट घसियार बेहतर मतलब नेट चालू नहीं हुए, एक बार चर्चा चले पहले विधानसभा में भाई मंत्री मीटिंग में चर्चा चली, एक बार विधान करा संविदा कर्मियों वास्ते तमाम जो है अंग वास्ते कमेटी बनाई है, बीपी स्तर से मांग रिपोर्ट आई मांग वास्ते पॉजिटिव कार्यक्रम। बाकी एक लॉर्ड शास्त्री की रिपोर्ट दी वो एक वो पर्यावरण को मारे करने हैं, देख हाँ का वास्ता है जितनी बढ़ सके आप ही बदल हर अंत में आप एक तो कण है जड़ी मदद में आप लोग मजबूतियों कृष्ण जी ने पार किया। एडा ये मैं 4 महीने बाद में चुनाव आवे लोकसभा, लोकसभा चुनाव के मां इतनी तो मैं थोड़े जितो उस चुनाव में थोड़ो पूरा ने पूरा हमने एमपी जीती 25-25 से राहुल जी प्रधानमंत्री बने अटो लगा जयपुर तक कड़ी जुड़ी कृष्ण जी ने मजबूती जत मिली अटो सीट के हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिन तरह 41,000 रुपये ला जीती अब के 45,000 में चले मजबूती किसी ने मिली। मैं आपने तो विश्वास दिलाऊं कामकाज करें किसी जी मकान टायर मारो मकान से 24 घंटा आप वास्ते खुलो है आप आओ छोटे मोटो कामकाज जयपुर को है हमारी गाड़ी में धान ले जा पूरा कामकाज सारो कराऊं किसी जी हाथ रही हर तक पुट तक गाड़ी चाण तक हमारी किसी धान जी हमारी को चिंता की अब मैं कांग्रेस पार्टी अब बात अब नहीं करनी चाहिए परंतु तीन विश्वास टिकट देना तीनों जीत तो प्रदेश चल रहे हो जैसे मंत्री और पद दियो हमारे एक बात नहीं है थे हाथ है जानकारी था ने और हमारे एक लोग खातो नहीं है थे हाथ है आज तमाम ना जा मंत्री उपद दियो विश्वास दिलाओ थाने जिन जिम्मेवारियों जिन विश्वासों अशोक गहलोत तो पायलट साहब और मंत्री को पद दियो है इनमें जो भी जिम्मेवारी है ईमानदारी निभावा पालना करावा अरे समाज की आशा ले पे आशा की पूर्ति करा कदे ठेस से पहुंचना एक व्यवस्थित काम चलावा ताकि पतो चले के मतलब लोग ईमानदारी काम करें लोग व्यवस्था काम करें। मैं प्रधान रहे 2 बार उन टाइम में मतलब प्रधान बने लोग घर कर विश्वास करें मैं जो इनकी मेरे अधिकारी मीटिंग ली अखबार में आयो देखो तीजी पीढ़ी खुदानी ईमानदार है जब वो नहीं तो ईमानदारी नहीं रखे अभी वो मामलो फेल हुए था ठंडाई चाहे ठंडार हुए चाहे कोई हुए लूटपाट वाले मामलो फेल हुए ईमानदारी काम करा मजबूती काम करा पार्टी की इज्जत बढ़ावा समाज की इज्जत बढ़ावा आज हिंदू के नवास से आप इसमें हाजिर हुआ